सीधे रुख करेंगे यूपी के महाराजगंज का, जहां डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। किन किन को टीके लगे हैं आप लाइन से बताओ। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी जान कोविड के कारण मोदी जी ने नहीं बचाई। लेकिन ये नादान उस समय भी कह रहे थे ये मोदी टीका है, हम नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे जान के लाले पड़े, पूरा देश सुरक्षित हुआ, तो रात को 12 बजे बाद ये बाबूओं भी अपने यहाँ चुपचाप टीका लगा करके आज अपने बीच में आके देख रहे हैं। अरे एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश के अंदर नहीं दुनिया में, इतने बड़े देश में तालाबंदी करते हुए और ये घोषणा की मुझे देश का बचाना जरूरी है, देश की सुरक्षा करना जरूरी है। और हमने सबने देखा, गरीब आदमी को मालूम था कि मैं अगर सबको घर में रख दूंगा तो खाएंगे क्या, उनकी परेशानी समझते हुए सबके घर में या तो भगवान राम के काल में या भगवान कृष्ण के काल में ये हुआ होगा कि घर में रह करके भी लोगों को भोजन की व्यवस्था हो जाए, या नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का जिनने निःशुल्क 80 करोड़ लोगों को घर घर अन्न पहुंचाने का प्रयास किया। आप बताओ गेहूं चावल दाल जो जहां है वहां देने का काम किया। लेकिन ये बेशर्मों को आज भी शर्म नहीं है और इसके आगे भी लंबी लाइन है। अब तो हम तो इसका और आनंद महसूस करेंगे। मैं शिक्षा मंत्री रहा हूं मध्य प्रदेश में 2020 में, मैं मोदी जी के कई कामों की प्रशंसा बहुत देर तक कर सकता हूं, लेकिन सबसे बड़े काम जो उनने किए हैं, एक बड़ा काम उनने किया, लाड मेघालय ने अंग्रेज जब हम पे हावी थे तो उन्होंने हमारे देश का स्वाभिमान कुचलने का काम किया, हमको सनातन धर्म से दूर करने का काम किया। 1832 में हमारे पाठ्यक्रम से हमारे सारे देवी देवताओं के वो आदर्श जिनके आधार पर देश गर्व करता था वो सब जड़ों से काटे, भगवान राम के अध्याय समाप्त किए, भगवान कृष्ण को काटने का प्रयास किया और पाठ्यक्रम ऐसा बना दिया जिसका हिसाब ही नहीं लगता था कि हम पढ़ने जा कर रहे हैं, केवल कागज की डिग्री लेकर आओ और नौकरी पाओ, उसको देश से कोई लेने देना नहीं। और कांग्रेस अंग्रेज के बाद और आगे बढ़ी, 1947 में देश आजाद हुआ, चाहते तो कांग्रेस पाठ्यक्रम बदलती है, लेकिन कांग्रेस ने और गलत काम किया क्योंकि जाने क्यों इनको हिंदुओं से नफरत है। इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में ग से गणेश नहीं पढ़ाएंगे, जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस कर रही, और ग से गणेश के बजाय गधा लिखाया कि ग से गधा लिखो। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और सीधे रुख करेंगे भोपाल का। कांग्रेस नेता के मिश्रा का पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चेतावनी। अब क्या चेतावनी दे दी है के मिश्रा ने, बता देते हैं आपको कि बीजेपी में गए नेताओं को वापस लाने का विरोध किया है के मिश्रा ने। के मिश्रा अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में बने ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुआ वो गद्दार है। के मिश्रा ने उन लोगों को गद्दार बता दिया है जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। गद्दारों को पार्टी में वापस लाने वालों का वो विरोध करेंगे। उनका कहना है कि जो भी इन लोगों को पार्टी में वापस लाएगा और या जब भी पार्टी ये निर्णय लेगी कि इनको पार्टी में वापस लाया जाए तो के मिश्रा इसका विरोध करेंगे और बिना डरे भीतर घातियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आज भीतर घातियों को लेकर पूर्व मंत्री आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने जो कहा है मैं उससे 100% सहमत हूँ। सिर्फ भीतर घाती नहीं, वे गद्दार जिन्होंने इस संकट के दौर में हमारा पार्टी और विचारधारा का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जैसे फासीवादी संगठन को ज्वाइन किया है, वो भी यदि कभी पुनः प्रवेश कांग्रेस में करने की कोशिश करेंगे या जो भी सीनियर लीडर उन गद्दारों को वापस लाने की कोशिश करेगा, मुझ जैसा कार्यकर्ता उनका भी विरोध करेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई 3 या 5 स्टार होटल नहीं है कि जहां ऐशो आराम करने के लिए आदमी आए और संकट के दौर में चला जाए। तो आप
आपने सुना के मिश्रा क्या कह रहे हैं। के मिश्रा कह रहे हैं जो भी गद्दारों को पार्टी में वापस लाएगा उसका वो विरोध करेंगे, और उन्होंने ये भी कह दिया कि बिना डरे भीतर घातियों के खिलाफ एक्शन लेना जरूरी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से मेरे सहयोगी विवेक पांडे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, के मिश्रा वही है जो लगातार कांग्रेस पार्टी में अपने बयानों की वजह से चर्चा में बने ही रहते हैं, लेकिन एक चेतावनी के मिश्रा ने दे दी है कि जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए अगर उनको पार्टी में वापस लाया जाएगा तो वो उसका विरोध भी करेंगे और भीतर घातियों पर एक्शन लेने की बात भी करते हुए के मिश्रा नजर आ रहे हैं। देखिए, एक बड़ी बात है कि के मिश्रा कांग्रेस नेता है और इसके साथ साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के मीडिया एडवाइजर है, और इसी हैसियत से के मिश्रा ने कहा है, तमाम सारे वरिष्ठ नेताओं को खुली चेतावनी भी दी है कि अगर कोई भी नेता जो कांग्रेस में रह के पार्टी के संकट के समय बीजेपी में शामिल हुआ है अगर उसे वापस लेकर आया जाएगा तो खुलकर विरोध करेंगे। और पिछले दिनों भी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने यही बात कही थी कि तमाम सारे भीतर घातियों पर एक्शन लेना चाहिए। पार्टी ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया है, इस पर पार्टी को फोकस करना चाहिए और इस पर एक्शन लेकर ये बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में अगर कोई किसी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। के मिश्रा वही बात कर रहे हैं कि जो पार्टी में भीतरघाती थे, जो पार्टी का संकट आया तो वो बीजेपी में चले गए, और जब कांग्रेस में थे तो ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, और ये कोई कांग्रेस का वो दफ्तर नहीं है। जब कांग्रेस का दफ्तर है, कोई फाइव स्टार होटल नहीं है कि जहां पे वो अपने। बिल्कुल, हमने दर्शकों को वो बयान भी सुनाया जिसमें के मिश्रा ये चेतावनी देते हुए विवेक नजर आ रहे थे। हमने देखा है जैसे ही मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म हुए उसके बाद कांग्रेस पार्टी में पहले मंथन का दौर शुरू हुआ, मंथन कार्यक्रम का आयोजन होगा इस बात का ऐलान किया गया। फिर कल एक नया अपडेट आया कि अब जिलेवार कांग्रेस पार्टी महामंत्री भी नियुक्त करने जा रही, संगठन महामंत्री बनाएगी। अब के मिश्रा का बयान, ये क्या मायने हैं, क्या बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब अपने स्ट्रक्चर वाइज अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी समझ में आ चुका है कि अब स्थिति को मजबूत करना कितना जरूरी है, यही समझा जाए इससे। बिल्कुल सही बात है, जीतू पटवारी ये कह रहे थे कि जिन्होंने भीतरघात किया कांग्रेस पार्टी ने उन पर एक्शन लेते हुए उन्हें बाहर कर दिया, और बीजेपी में शामिल होने वाले 90% ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब मध्य प्रदेश में नेता गिनती के ही हैं और बीजेपी में जो कांग्रेस के नेता थे वो बीजेपी में चले गए। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद अगर बीजेपी में उन नेताओं को जगह नहीं मिल पाती जो कांग्रेस से पलायन होकर बीजेपी में गए तो यही स्थिति बन जाएगी कि वो फिर बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ जाएंगे, और इसी का विरोध के मिश्रा कर रहे हैं कि अगर पार्टी ने उन्हें वापस लिया तो वो खुलकर विरोध करेंगे। एक तरफ रीस्ट्रक्चरिंग की बात है तो रीस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ कांग्रेस को एक नया खेमा भी खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट लीडरशिप के अधिकांश नेता बीजेपी में जा चुके हैं। ऐसे में सेकंड लीडरशिप को मजबूत करने के साथ साथ रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, नेता आप कांग्रेस को बनाने होंगे, क्योंकि जो लंबे अरसे से कांग्रेस के समय साथ जुड़े थे अब वो बीजेपी की तरफ रुख कर गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस अगर अपना दूसरा लीडरशिप तैयार करेगी, नीचे की ग्रास रूट को मजबूत करेगी, तो ऐसे में कई ऐसे बड़े चेहरों को कांग्रेस के आगे की क्या स्ट्रेटजी होती है। कांग्रेस जिस तरीके से अभी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और बयानबाजी भी तेज हो गई, अब देखने वाली बात होगी कि आगे एक्शन इस पर क्या लिया जाता है। तमाम जानकारी के लिए विवेक शुक्रिया आपका। तो चलिए खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक प्रयोग होने वाला है, वो कौन सा प्रयोग है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अब प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी रखी जाएगी छोटी, यानी कि अब प्रदेश में जो कांग्रेस की कार्यकारिणी बनाई जाएगी वो छोटी बनाई जाएगी, जून के आखिरी तक कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी, और कार्यकारिणी को लेकर फीडबैक भी लिया जा रहा है, फीडबैक के आधार पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। तो चलिए भोपाल की बात इंदौर की कर लेते हैं। इंदौर में कांग्रेस ने लगाए बीजेपी नेता अक्षय कांत दिबम के पोस्टर। तो देखिए, इंदौर में कांग्रेस ने लगातार इस बात का ऐलान भी किया कि जो भीतर घाती हैं और जिन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा है उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब ताजा मामला एक और सामने आ रहा, जहां इंदौर में कांग्रेस ने बीजेपी नेता अक्षय कांत दिबम के पोस्टर लगा दिए। बम की जानकारी देने वाले को दिया जाएगा 5100 रुपए का इनाम। तो 5100 रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी गई है। धारा 307 के मामले में फरार चल रहे हैं बम। धोखेबाज कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले 307 के फरार आरोपी अक्षय बम
को गिरफ्तार करने के लिए, पुलिस का सहयोग करने के लिए जो भी सज्जन एवं कांग्रेस जन सूचना देगा, उस सज्जन और कांग्रेस जन को 5100 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। और देखिए, इसी के साथ भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 25 जून तक समर्थन मूल्य में होगी गेहूं की खरीदी। यानी 25 जून वो तारीख होगी जब समर्थन मूल्य में गेहूं की खरीदी की जा सकती है। पहले 31 मई तक गेहूं खरीदी के लिए तारीख की घोषणा की गई थी, इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले था कि किसान 31 मई तक गेहूं खरीदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब 25 जून तक समर्थन मूल्य में गेहूं की खरीदी की जाएगी। 15 मार्च से प्रदेश पे चल रही है गेहूं की खरीदी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी समीक्षा की है, तो तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। तो वहीं मुरैना में भीषण गर्मी के समय में मुरैना नगर निगम शहर को पानी पिलाने में हाफ रहा है। और आलम यह है कि एक और तो लोग 45 डिग्री टेम्परेचर की आग झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को निगम द्वारा पानी तक नहीं पहुंचाने के चलते वार्ड क्रमांक 20 की महिलाओं ने निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। और इस दौरान महिलाओं ने मिट्टी के खाली मटके ले जाकर नगर निगम कमिश्नर के दफ्तर के सामने फोड़ दिए। उसके बाद निगम कमिश्नर ने 4 दिन में वार्ड वासियों की समस्या का हल करने का आश्वासन दिया है। पाँच साल से परेशान हो रहे हैं और बिल्कुल पानी की सुविधा नहीं हो रही है। 3-4 गली हैं, रात भर जगती हैं हम, पानी भरते हैं और फिर भी पानी नहीं आता, 1 घंटा 1/2 घंटा बस। और बहुत महिला परेशान हो रही हैं, घर में पानी नहीं है। आवेदन दिया और जेट मंजूर हो गया, आज लग रहा है कल लग रहा है, 1 साल हो गई अभी तक जेट नहीं लगा। खबर ग्वालियर से है, जहां भीषण गर्मी में पेयजल संकट गहरा गया है और लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों का गुस्सा भी अब फूटने लगा है और गेंटे वाली सड़क पर स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया। इस चक्का जाम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझा कर जाम को खुलवा दिया। और अब खबर कटनी से है, जहां कई धाराओं में स्थायी वारंटी और 45,000 रुपए के इनामी बदमाश उत्तर प्रदेश पुलिस की सहायता से मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो श्री राम लला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचा था। पुलिस लंबे समय से आरोपी किश्तु उर्फ किशोर तिवारी की तलाश कर रही थी, लेकिन वो पुलिस को चकमा दे रहा था। अब कटनी पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ लेकर आ रही है। करीब 92 से यह फरार चल रहा था, इसको 2015 में गिरफ्तार किया पुलिस ने, उसके बाद पुनः यह फरार हो गया था। तो अभी हमने इसको फिर विधि सम्मत कार्रवाई के लिए इसको गिरफ्तार किया है। मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकरण में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 10,000 रुपये का इनाम वारंटी के विरुद्ध घोषित किया गया था, जिसे क्रमशः DIG साहब के द्वारा और आदरणीय IG साहब के द्वारा बढ़ा करके 30,000 रुपये कर दिया गया। नर्मदापुरम स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से खुशखबरी है। वो टाइगर रिजर्व के मल्लूपुर में लैला बागिन की बेटी इलाई ने नर शावक को जन्म दिया है। अपने शावक के साथ झलक की तस्वीर भी देखिए कि किस तरीके से तस्वीर वायरल हो रही है। लैला सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की सबसे पुरानी बाघिनों में से एक है, जिसकी चर्चा हमेशा सैलानियों में होती रहती है। और इस बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ बीजेपी का कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर वार, वीडियो जारी कर अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा गया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी ने लिखा, विदेशी शक्तियों की चाबियों के साथ हिंदू देश, और साथ ही परिवारवाद के मुद्दे पर भी उठाए हैं सवाल, देश की जनता ने परिवारवाद पर किया प्रहार। तो देखिए,
छत्तीसगढ़ बीजेपी ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर निशाना साधा है और एक्स पर पोस्ट कर क्या लिखा है टीवी स्क्रीन पर देखिए। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी ने लिखा कि विदेशी शक्तियों की चाबियों के साथ हिंदू द्वेष और परिवारवाद के मुद्दे पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि देश की जनता ने परिवारवाद पर प्रहार किया है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, जाति 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 जाति, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जा। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, जाति 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 जाति, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जा। एक और बड़ी खबर है बलरामपुर से, जहां धरने पर बैठे हरी गवा गांव के ग्रामीण, क्या कुछ वजह है धरना प्रदर्शन की? तेंदुपत्ता फंड मुंशी और समिति प्रबंधक पर बिचौलियों से खरीदी करने का आरोप लगाया है। सुबह 5 बजे से ग्रामीण हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, वन विभाग से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वाड्रफ नगर के रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र के हरिगवा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रायपुर में सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। दरअसल रायपुर के गुड़ियारी इलाके में सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट के विरोध में सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं और जिसके बाद से सफाई कर्मियों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। सफाई कर्मचारी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर भी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुए सड़क हादसे में मारे गए लोगों के बच्चों को बीजेपी विधायक भावना वोरा ने गोद लेने का फैसला लिया है। भावना वोरा इन बच्चों की शिक्षा रोजगार से लेकर विवाह तक की जिम्मेदारी लेंगी। बता दें कि पंडरिया विधायक भावना वोरा मंगलवार को मृतकों के परिजनों से मिलने सिमराहा गांव पहुंची थी और इस दौरान विधायक भावना वोरा ने हादसे में मारे गए 19 लोगों के 24 बेटों और बेटियों को गोद लेने की घोषणा कर दी है। जो इस गांव की जो बच्चियां हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, उनकी पढ़ाई की उनकी शादी की जिम्मेदारी भी मैं अपने पे लेती हूँ और साथ में प्रयास यही रहेगा कि अगर लड़के हैं कहीं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा पाए तो वो भी प्राथमिक करेंगे। मान के चले कि 20 बच्चों की तरीके से मैं गोद दे रही हूँ। बात कर लेते हैं कवर्धा हादसे की। कवर्धा में हुए दर्दनाक हादसे में मरने वाले 19 लोगों में सिमराहा गांव में एक ही परिवार के 10 लोग शामिल हैं जिनकी जान चली गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने खुद अपनी मौजूदगी में मृत लोगों का अंतिम संस्कार कराया और इसके बाद मंगलवार देर शाम प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप और स्थानीय पंडरिया से विधायक भावना वोरा सिमराहा गांव पहुंचे। मंत्री और विधायक ने परिवार से मिलकर उनको हौसला दिया। साथ ही मंत्री विधायक ने पीड़ित परिवार जनों को हर संभव सहायता देने का भी भरोसा दिया। इस दौरान विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए विधायक भावना वोरा ने कहा कि पीड़ित परिवार के बच्चों की स्वास्थ्य और शिक्षा मुहैया कराना एक स्थानीय विधायक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। वहीं सरकार की तरफ से जो भी आर्थिक सहायता हो सकती है वो पीड़ित परिवार को दिलाई जाएगी। वर्धा में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ और प्रशासन हो चाहे शासन के लोग हो लगातार इस गांव में आ रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पीड़ितों से बातचीत कर रहे हैं। वन मंत्री केदार कश्यप, स्थानीय विधायक जो हैं भावना बोरा मैडम भी हैं, दोनों आए हैं, पीड़ितों से बातचीत किए हैं। मैडम आप विधायक हैं स्थानीय, क्या कुछ पीड़ितों से बातचीत की मैडम, क्या सोचना? इस तरह की जो घटना हुई निश्चित ही हृदय विदारक, एक ही गाँव में इतने सारे परिवारों का सदस्यों को खोना बहुत ही मतलब बोलने के लिए शब्द नहीं, जिस तरीके से वो उनके दुख हम देख रहे हैं। यही कहना चाहूँगी कि पूरे लोग हम सब उनके साथ आदरणीय केदार कश्यप जी यहाँ पर उपस्थित हैं, कल भी डिप्टी सी में यहाँ पर आ के गए हैं, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार बात हो रही है, स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार संपर्क हैं कि किस तरीके से इनके साथ हम खड़े रहें और प्रयास यही है कि जो इलाज इनका चल रहा है उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो। और जिस तरीके से परिवार में लगभग 18 से 20 बच्चियां हैं अगर सभी की मैं बात करूं तो उनको लेकर के थोड़ी चिंताएं ज़रूर थी। वही हमारी चर्चा हो रही थी कि जो 18-20 उसमें 7 लड़कियां हैं और लगभग 13 लड़के हैं जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, जिनकी शादी होनी है, जिनको नौकरी लगना है, तो
यही कहना चाहूँगी, एक यहाँ के जनप्रति होने के नाते भी मैं यही कोशिश करूँगी कि उन 20 लोगों की जवाबदारी, चाहे शादी की हो, पढ़ाई की हो, अन्य जो भी जवाबदारी, उन 20 लोगों की जवाबदारी आज से मेरी रहेगी। यही मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगी। आर्थिक तौर पर मैडम, आर्थिक तौर से मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि की घोषणा की 5 लाख रुपये। हमारे साइड से भी, मेरे माध्यम से भी कल जो ज़रूरी उपलब्धता थी इनको वो भी कराई गई है। और लेकिन जो क्षतिपूर्ति, जो इनका नुकसान हुआ है, वो उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन सहयोग के रूप में ज़रूर राशि दी गई।